मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हो लाइक का बटन पे हेलो अस्सलाम वालेकुम सो एलिगेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या पढ़ते जुमा के दिन बोलिए हेलो अस्सलाम वालेकुम मोबिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। आज था मुझे कुछ काम, मुझे कुछ यूट्यूब चैनल के लिए कुछ चीजें लेनी थी तो मैंने सोचा चलिए व्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। आप लोगों को भी दिखा देते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। डॉग नीनी का लनोना अच्छा है। नोनी डॉग किधर है? चलो देखेंगे। चलो आप नीनी का लाए डॉग। जुमा के दिन क्या पढ़ते हैं अम्मा? कौन सा सूरा पढ़ते हैं जुमे के दिन? अम्मा बुर्का देखकर मुसलमान बन जाते हैं इन लोग, साड़ी देखकर हिंदू बन जाते हैं। और ये हर जगह चल रहा है, हर स्टेट में मांगने वालों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है। नौरीन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे ब्राइब नको करो यार। Let's go, we are going anyways. Now what do you want? Noreen, say hi. Say hi to everyone. Hi. Assalamu alaikum. Noreen, say. Baba. Astapani. Assalamu alaikum. Assalamu. और ऐसे ही हैदराबाद, पेरिस, मेक्सिको और मॉन्ट्रियल को पीछे छोड़कर ग्रीन सिटी इन द वर्ल्ड नहीं बना है, जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड मिला है। हर जगह पे ग्रीनरी है हैदराबाद में। और ये गोशा महल है, यहाँ पे वुडन सामान मिलते हैं, लकड़ी के फर्नीचर्स, डोर्स। और ये डोर पर तो मेरा ऐसा दिल आ गया था, दिल कर रहा था कि पूरे डोर्स अपने घर में लगा लूं। एज यूजुअल नौरीन सो गई है क्योंकि ऑलरेडी वो सुबह उठ जाती है बहनों के साथ। और ये मुजाम जाही मार्केट की खूबसूरती का क्या ही कहना। मन किया तो मैंने अच्छे से वीडियो बना लिया अपने व्यूअर्स के लिए। ये बहुत सारे शॉप्स को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर पहले भी हम लोग आ चुके हैं तो मुझे जो स्टैंड लेना था मैंने यहाँ से लिया एक स्टैंड, और फिर मैंने एक और स्टैंड ले लिया था एक बाजू वाले दुकान से। वो वेट ये वेट का कुछ है, बैग है, कहीं जा रहे हैं आप तो हाँ। लगाने के लिए इसमें मोबाइल का है और कैमरे का है, दोनों है इसमें। ये क्लैंप लगाना मोबाइल का, और अगर कैमरा लगाना है तो कैमरा डायरेक्टली लग जाता है इसमें। यूज कर लीजिए, पूरा अपना तरीके से समझा देता हूँ। वो लेने में उन्हें समझाया नहीं समझा मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आप इसको उठाना है तो ऐसा ऊपर भी उठा सकते हैं। और फिर मैंने ये वाला स्टैंड भी ले लिया था। बड़ा नहीं है थोड़ा बड़ा बोलो फिर इससे। अरे नहीं उतना बड़ा नहीं, हाँ वो वाला एक ही है ना, सेम ही साइज है। वो 10 इंच है, ये 12 इंच है। ये कितने का रहा? मोटा वाला स्कार्फ लगा लिए लेकिन यहाँ तो पसीना से हालत खराब हो रहा है। बाबू क्या हो रहा है?
जुमा की नमाज़ के लिए वक्त बच रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा मदीना मार्केट भी जाकर आते हैं, कुछ काम था, चेन जुड़वाना था। और हैदराबाद पुलिस अपने काम में लगी हुई है गाड़ी उठाने के, तो जो हैदराबादीज हैं बी सेफ, अपने गाड़ियों को बचा कर रखिए। Moments later. नजर चुकी, दुर्घटना घटी। लाइक तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि मैंने मैक्स से क्या क्या शॉपिंग किया है, तो मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था ये करने के लिए। और मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं थे जहाँ पे मैं कैमरा रखकर आप लोग को दिखा सकूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो एज आज आपने वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड लेने के लिए गए थे, तो वो हमने ट्राइपॉड स्टैंड ला लिया है। नाउ मैं ट्राइपॉड स्टैंड को मेरे सामने लगा कर आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो सबसे पहले हम लोग जब मैक्स जाते हैं तो हम लोग यूजुअली शॉपिंग करते हैं टी शर्ट्स की, ट्रैक्स की, बच्चों के ड्रेसेस की। ये टी शर्ट्स है, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स है, ये पूरे यहाँ तक आ जाते हैं। कंफर्टेबली आप बिल्कुल कंफर्टेबली ये टी शर्ट्स को पहन सकते हो, कोई बड़े भी हैं घर में तो खराब नहीं दिखता ये पहनने में। ये सेल में मुझे 199 में मिला है, और ये भी 199 का था सेल में, ये भी 199 का ही था। ये वाला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मिला है। ये देखिए इसमें क्विंस का भी काम है। बाय बाय, ये था ये वो, ये 699 का है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मुझे मिला है 299 में। ये ऐसी स्लीव्स रहती है तो बहुत कंफर्टेबल होता है पहनना इसको। ये मैंने लिया है, ड्रेस्ट मुझे एलर्जी है, ये ट्रैक लिया है, ये भी बॉयज के सेक्शन से ही मुझे हम लोगों को मिलता है। ये मैंने, ये ट्राउजर है, ये ओके है, बहुत ज्यादा ये नहीं, कॉमन ही है ये पर ये 199 में मिला था। इसका एक्चुअल प्राइस है 399। ये टी शर्ट भी मुझे 699 का है, लेकिन दो लेने पे मुझे फ्लैट में मिला था। ये 700 का टी शर्ट है लेकिन मुझे फ्लैट 70% ऑफ में मिला था। अजान हो रही है, फिर हम बच्चों के सेक्शन में चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों को गिफ्ट भी बहुत देना रहता है, तो मैं बहुत सारा लेकर रख लेती हूँ ऐसे सेल में से। अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे होंगे, अगर मैं बिना सेल के भी खरीदूंगी तो ये बोलेंगे कि सेल में ही खरीदती है, बट एनीवेज कोई बात नहीं है। ये 499 है, ये मुझे 299 में मिल जाता है ऐसे सेल में। ये था ये 299 सिंगल, ये 299।
ये भी 299 का। और ये मुझे डिजाइन ना बहुत अच्छा दिखा, ये स्लीव्स का, ये स्लीव्स बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट सा था। ये जीन्स पैंट है, ये भी 699 का रहता है, ये भी लेकिन 299 में ही मिलता है। तो मैं तकरीबन दिसंबर और जून में बहुत सारे ड्रेसेस ले लेती हूँ और वो फिर मेरा चलता रहता है, वैसा पूरी ईयर चल जाता है, किसी को देना हुआ या। ये नॉरीन का है, जैसे क्या होता है ना ऐसे, ये सेल में अभी आ रही हूँ, फ्लैट जैसे आइसक्रीम, व्हाट वनीला एंड ओरियो, ओके आई विल हैव, बट वी हैड, वी ऑलरेडी। और ये बच्चे आइसक्रीम बनाकर लाए हैं, कौन सा आइसक्रीम है ये? हमने कुछ बनाया वनीला और ओरियो, ऊपर ओरियो पूरा खाली। यहाँ मम्मा बिजी है तो वहाँ आइसक्रीम चलने लगा। ये ट्रैक्स इसमें क्या है ना, लाइक 699 वाला भी आपको 299 में मिल गया, मिल जाएगा, समटाइम्स 399 वाला भी 299 में मिलेगा, इट डिपेंड्स। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा ही मिलता है। ये नॉरीन का ट्रैक लिया था और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये भी मुझे 299 में ही मिला है, ये भी 299 में मिला है। ये बहुत ही प्यारा सा कलर दिखा मुझे, देखिए। और ये पूरे जितने भी रहते हैं ना, ये पूरे जितने भी है ना, ये पूरे थाइस तक ऐसा यहाँ तक आते हैं, तो बहुत आराम से पहन सकते हैं आप, इसका कोई टेंशन ही नहीं है कि खराब लिखे लगेगा या। और ये मेरी आशु के लिए ड्रेस है, ये फ्रॉक्स, और ये था, ये 30% में था पर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। ये आयशा के लिए है, ये टी शर्ट्स 299 के थे। ये लेगिंग्स मैक्स का ऐसा रहता है ना कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मुझे ये चीज है कि मैं क्वालिटी के लिए लेती हूँ मैक्स का। अब हम लोग वॉशिंग मशीन में धो देते हैं कपड़ों को, वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धो रहे हैं, अगर कपड़ों का रंग गिर रहा है तो एक से दूसरे में लग जाता है, वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। इवन दो मैक्स में बहुत अच्छे डिजाइन नहीं रहते, जब मुझे बच्चों को कुछ अलग डिजाइन पहनाना रहता है तो फिर मैं बाहर से लेती हूँ, लेकिन उसको क्या है, सेपरेट हैंड वॉश आपको करना पड़ेगा। ये सब ड्रेसेस क्या है, बेफिक्र होकर के पहनाती हूँ मैं, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ और गर्म भी नहीं लगता, बहुत अच्छा रहता है। तो ये था मेरा पूरा, ये मैक्स का सेल का कलेक्शन। और मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा अगर इसको कंटिन्यू करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, इंटरटेनिंग लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, इनकरेजमेंट होता है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।